हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड जिससे रिलेटेड हमने कभी पहले बात नहीं करी बट इस कंपनी में काफी सारा दम है स्मॉल कैप कंपनी है एज वेल एज अगर बात करें इससे रिलेटेड एक कंपनी से रिलेटेड हमने बातें करी थी जिसने अच्छा खासा गेन हमें देता हुए नजर आया उससे रिलेटेड बताएंगे आपको बताएंगे बट बिफोर दैट तो वीडियो में आगे बढ़े और जाने हो शेयर से रिलेटेड आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के फें� साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे और अभी एक वीडियो आई है यहाँ पर हाउ टू प्ले अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट गेम यहाँ पर डॉली खन्ना जी ने

इस कंपनी से रिलेटेड तो यहाँ पर जब हमने वीडियो बनाई थी फोर फिफ्टी टू रुपीस के आसपास ये यह शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा था और आज की डेट में अगर हम यहाँ पर गूगल पे जाके एक बार देख लेते हैं शेयर से रिलेटेड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइव ट्वेंटी एट रुपीज के रिलेटेड ये कंपनी चलती है तो अच्छा खासा एक महीने में यहाँ पर इस कंपनी ने गेन आपको दिया है तो इसी के सिमिलर एक और कंपनी है जो कि अगर हम बात करें उसमें अच्छा खासा हमें गेन हो सकता है और कंपनी अच्छा खासा प्रॉमिसिंग अगर बात करें नजर आ रही है तो जिस उसका नाम क्या है तो देख लेते हैं उसका नाम है यहाँ पर देख सकते हैं मोल टैक पैकेजिंग लिमिटेड तो यूफ्लेक्स की बात करें वो भी पैकेजिंग में है बट ये कंपनी जो नजर आ रही है ये और भी बड़ी कंपनी नजर आ रही है और सेम प्राइस पे ही आपको लगभग मिलती

यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रही है तो यहाँ पर इस कंपनी अच्छी खासी यहाँ पर आ रही है यहाँ पर थर्टी फाइव पॉइंट टू टू परसेंट के शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स के पास और कोई भी शेयर लगभग टू पॉइंट नाइन परसेंट के शेयर यहाँ पर गिर भी है इस चीज को भी आपको ध्यान में देना होगा

रॉबोटिक ऑपरेशन ले सब चीज कंपनी के बारे में बता रखी है स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप की बात करें तो इनके जितने भी दिग्गज यहाँ पर आपको एफ और पेंट्स के जो दिखाई देते हैं जो कंपनीज है वो सारे के सारे इनके कस्टमर्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं एशियन पेंट पेल्स अप्लाइड बाई यहाँ पर ये यह कंपनी के यहाँ पर एफ जितने भी सेक्टर है यहाँ पर ये यह कंपनी के यहाँ पर आई टी कैडबरी पैप्सी एशियन पेंट्स बजर पेंट्स नारोलैक पार्लेप डाबर अमूल, मतलब ये सारी कंपनी इसके क्या है इसके है कस्टमर एक बार इसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बारे में यहाँ पर जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बट अगर इनके एक बार क्लाइंट से रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं तो इनके क्लाइंट्स यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर फूड एफएमसीजी एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज इनके क्या है क्लाइंट्स है तो यहाँ पर क्लाइंट्स अगर देखते हैं आई टी सी पी एन जी कैडबरी हिमालय अमूल ने यूनिलीवर डाबा वड़ीलाल पैप्सी हेडसन क्वालिटी वेल वॉल्स एम टी आर यहाँ पर जितने भी जितने भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं हेरिटेज और कुछ टाइम पहले हमने वीडियोज बनाई थी हैं सी सी डी यहाँ पर अगर बात करें पार्ले हल, हल्दीराम जर्से तो मतलब ये जितने भी पर ये कंपनी नज़र आ रही है यहाँ पर देख लीजिए आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स इनके यूज करते आते हैं और इन पे जो आ, पैकेजिंग होती है चाहे वो पॉलीबैग की पैकेजिंग हो एज वेल एज अगर बात करें जो प्लास्टिक की पैकेजिंग हो वो सारी की सारी ये कंपनी ही बनाती है पेंट इंडस्ट्री की बात करें एग्जोनोवल अपोलो अपोलो पेंट्स पेंट्स जितने भी यहाँ पर नजर आ रहे है, सारे हैं सारे लुब्रिकेंट की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए और गल्फ ये जितने भी हैं बीपी भारत पेट्रोलियम इंडियन पी ये सारे के सारे इनके क्लाइंट्स हैं और वही बड़े क्लाइंट्स है छोटे मोटे क्लाइंट्स नहीं है तो यहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं कि इनका बिजनेस कितना वास्ट होगा कि ये किस सेक्टर में सैनिटाइजर यहाँ पर कंटेनर बनाते हुए नजर आते हैं डिस्पेंस पंप्स फूड कंटेनर पेंट्स पैकेजिंग लुब्रिकेंट यहाँ पर ये कंपनी इस तरीके से कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझना होगा और जानना होगा कि ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके मतलब पर देखिए सैनिटाइजर से आप, आप डिब्बे में आते हैं आत पेंट सेक्टर कह लीजिए या फिर किसी आइसक्रीम जो पैकेजिंग होती है स्वीट बॉक्स हो गए ये सारे के सारे ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है और जब ये कंपनी पर ये सब चीज बनाती हुई नजर आ रही है ये पैकेजिंग बनाती हुई नजर आ रही है 140 करोड़ लोग हैं जो हमारे 130 करोड़ लोग हैं इंडिया में आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया जो जो कि क्या कहते हैं ये यूज़ करते हो डेली वाइज आप कितने प्रोडक्ट्स के आप यूज करते हैं आप कुछ समझ सकते हैं तो आइसक्रीम के साथ साथ आप ये देखिए आइसक्रीम घी घी हनी सब यूज करते हैं पूरे इंडिया में एडिबल ऑयल्स एंड घी पैकेजिंग जितने भी ये है सारे के सारे यहाँ पर यही कंपनी के इसके पैकेजिंग करती हुई नजर आती है तो यहाँ पर जब ये पैकेजिंग करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर ये पैकेजिंग बनाती हुई नजर आ रही है और पेंट सेक्टर किस तरीके से यहाँ बढ़ रहा है यह भी आपको पता है जब यहाँ पर सब चीज इसके फेवर में है तो यह शेयर को ऊपर जाना ही जाना है तो इस चीज को आपको समझना होगा और इसके समझ के अगर आप काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा मार्केट में आपका बनता हुआ नजर आएगा

से ऊपर यहां पर शेयर चल रहा है ऑलरेडी ओके आ, यहां पर अगर हम बात करें और भी कुछ चीजों की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट्स तो रिजल्ट्स अक्सर अगर हम पिछले बारह क्वार्टर के देखें तो 102 करोड़ रुपए से लेके आज की डेट में हाईएस्ट एवर यहाँ पर रिजल्ट आया और जब मैंने आपको बताया कि दो तीन क्वार्टर में हाईएस्ट एवर नंबर्स आने शुरू हो जाए तो समझ लेना कंपनी और भी ज्यादा ग्रोइंग मोड पर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए छब्बीस अट्ठाईस बत्तीस मतलब हाइस्ट एवर यहाँ पर नंबर्स है यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें वो हाइएस्ट एवर है हाइएस्ट एवर मतलब कंसिस्टेंसी के साथ इसके अलावा बात करें पिछले चार पांच साल की यहाँ पर परफॉर्मेंस की सेल्स दो करोड़ की सेल्स लगभग दूनी

ही है, ओके अपने घरों में आप पेंट्स यूज करते ही है तो वो डिब्बे के साथ में ही नहीं रहा, तो बात है, ये सेक्टर को और रहा है हर एक चीज का एफ हो चाहे घर बन रहे हैं तो यहाँ पर रियल में पेंट सेक्टर हो तो जहां पेंट आ रहे हैं वो भी एक पैकेजिंग के अंदर ही आ रहे हैं तो बिजनेस मॉडल समझ लिया कि इसका बिजनेस मॉडल बेमिसाल है इसके फाइनेंशियल यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं

पर अच्छे खासी होल्डिंग यहाँ पर हमेशा बड़े अच्छे हाथों में है। तो यह चीज समझना पड़ेगा इसके अलावा इसके कुछ टेक्निकल्स की बात करें टेक्निकल्स में देखिए कोई चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा बट एक चीज जो मैं आपको हमेशा अपने वीडियोस में बनाता ही बताता ही हूँ कि जियो इस तरीके के शेयर है जो ग्रोइंग सेक्टर में है जो एज वेल अच्छे प्रॉमिसिंग यहाँ पर रिजल्ट पेश कर रहे हैं प्रॉमिसिंग हर चीज नजर आ रही है वो यहाँ पर आपको शेयर पहली बात तो कोई चार्ट पैटर्न नहीं सीधे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां पर नीचे गिर नहीं रहे वो एक सपोर्ट लेते हैं थोड़ा सा नीचे आते हैं और नीचे आने का मतलब कोई ये नहीं है कि क्या कहते हैं वो जान के नीचे आते हैं उन्हें नीचे लाया जाता है किसके थ्रू नीचे लाया जाता है ये लाया जाता है ऑपरेटर्स या फिर बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना वो इसे थोड़ा सा माल बेचते हैं क्यों क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छी इंडस्ट्री है यहाँ पर सब चीज़ अच्छा चल रहा है तो वो नीचे लाके यहाँ पर अपना माल भरते हैं फिर ऊपर ले जाते हैं फिर नीचे थोड़ा लाते हैं फिर माल भरते हैं फिर 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 ऊपर ले जाते हैं तो इस तरीके से करते करते यहाँ पर अगर बात करें वन फिफ्टी वन फिफ्टी रुपीज का शेयर यहाँ पर फाइव फिफ्टी मिनट में चल रहा है मतलब चार सौ रुपए पर शेयर यहाँ पर भागते हुए नजर आ रहा है और हमेशा याद रखिए फिफ्टी डीएमए के आसपास जब भी आता है यहाँ पर सपोर्ट

वॉलिटिलिटी हो सकती है यहाँ पर इस शेयर में तो इस चीज को हमें देखना पड़ेगा बाकी यहाँ पर देखिए लीजिए वॉलिटिलिटी है ही बाकी शेयर काफी प्रॉमिसिंग है नीचे यहाँ पर आया था फिर उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा बगता हुआ दिखाई दिया तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छी लगी और लाइक कमेंट शेयर करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें दूसरे लोगों लोग भी कनेक्ट कराए ताकि इस तरीके की वीडियो शेयर से रिलेटेड पूरा बिजनेस फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल आपको समझाया जाए और आप अच्छा खासा यहाँ पर पैसे बनाते रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस